हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? तो दोस्तों, कविता की सुहाग रात तो हम सब ने होते देख ली, और जेठ जी, हाँ वही भैया जी, उसकी किताब भी पढ़ ली। अब बारी है षड्यंत्र की, कैसे कविता और शेखर के बीच मनमुटाव पैदा होता है और कैसे शेखर जल्दी ही हथियार डाल देता है। परंतु कविता बेचारी तो प्यासी ही रहती है ना। साथियों, आपने किस्सा पार्ट वन को बहुत प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे की कहानी शुरू करते हैं। आज बात करेंगे किस्सा पार्ट टू की। शेखर बहुत जल्दी निपट जाता है और कविता की देवरानी कहती है कि तुझे शेखर के अंदर कुछ आग जलानी पड़ेगी। कविता है, कैसे आग जलाऊं, साला ठंडा पड़ा है पूरी तरह से। और कविता मनमोहक कहानियों वाली किताब, अरे हाँ यार, वही भैया जी की लिखी हुई किताब शेखर को देती है पढ़ने के लिए। परंतु शेखर साला चू बोलता है कि बच्चों को क्या संस्कार देंगे ये किताबें पढ़कर। अरे यार, बच्चे होंगे तो दोगे ना, और मना कर देता है। फिर भैया जी की कहानी शुरू हो जाती है और देवरानी कविता को पूरी तरह से ब्रेन वॉश करके कहीं और मुंह मारने के लिए राजी कर लेती है। तभी भैया जी कविता को किसी लड़के के साथ देख लेते हैं और फिर वही किताब की कहानी। फिर आगे वो षड्यंत्र है जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते, परंतु उसके लिए तो आपको उल्लू ओरिजिनल पर रजिस्टर करना पड़ेगा। भाई लोग, तो पेश है किस्सा पार्ट टू, जो कि आ रहा है 6 अगस्त यानी कि कल। तो हो जाइए तैयार और जल्दी से उल्लू पर रजिस्टर कीजिए और मजा लीजिए। हम मिलते हैं बहुत जल्द एक और धांसू और मजेदार कहानी के साथ। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द। जय हिंद।